हर लोगों के लिए वेलकम है वहाँ पे। जाने दो उसको, उसके पीछे कौन भागेगा, मेरे को तो मेरा जान प्यारा है। अपोलो के लोग तो एकदम जहान है गाइस, आप लोग एक बार आओगे तो जाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। गाइस आप लोग कुछ भी कर लो गाइस, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। गाँव में पैसा खाने के लिए बस सब कोई बैठा हुआ है और कुछ नहीं। क्या मेरा नंबर क्या ऊपर से टपका था क्या? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वी एम ब्लॉग। सो गाइज आप लोग 300 या 400 तक मेरे को DM कर चुके हो इंस्टाग्राम और फेसबुक में, भाई 5-7 दिन से आप लोग का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। गाइज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे अभी अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ गाइज। क्या कर रहा है, तबीयत बिल्कुल भी बिगड़ गया था। उस दिन जो गया था ना मैं गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया भीग कर। तो गाइज चलो अभी चलते हैं RTO ऑफिस, क्योंकि बम्बलबी को लेके जाना है अभी, उसका नंबर प्लेट को अप्लाई करना है फिर से। गाइज मेरे से फिर से पॉपअप कट चुका है, अभी मेरे को अभी जाना पड़ेगा जाजपुर टाउन RTO ऑफिस। बने रहिए वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब के ऊपर क्या करना है मालूम है आप लोग? मालूम नहीं, नहीं। सब्सक्राइब के ऊपर किस करो, मुक्का मारो, लात मारो, कुछ भी करो, बस हो जाना चाहिए भाई का चैनल सब्सक्राइब। हरामी हो बेटा। चलो गाइज मिलते हैं आउटडोर में, बने रहिए वीडियो में, चलो चलते हैं। 6 months later. So guys, finally अभी चलो चलते हैं RTO ऑफिस। अब लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं जाजपुर की RTO ऑफिस, जो कि मेरा गाड़ी नंबर के हिसाब से पड़ा हुआ है जाजपुर टाउन में। गाइज अभी टाइम हुआ है 9:18, तो चलो अभी जल्दी जल्दी जाके तुरंत पहुँच जाएंगे। बहुत ही नज़दीक में है, मगर वो रास्ता थोड़ा सा खराब है, इसी कारण से थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, पता नहीं। जा रहा हूँ मगर मुझे वो बहुत ठंड लग रहा है, धूप में भी इतना बुखार है गाइस, क्या कर सकते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये रास्ता ना कंक्रीट हुआ है मगर मिट्टी रास्ता जैसा है, हबड़ खबड़ वैसा ही कर दिए हैं। गांव में पैसा खाने के लिए बस सब कोई बैठा हुआ है और कुछ नहीं। सो गाइस अच्छे रास्ते में आके मैं पहुँच चुका हूँ, ऐसा स्पीड भगाते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो थोड़ा सा लेट हो सकता है मे भी। सो गाइस स्पीड मतलब 50-60, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं। आप लोग बोलते हैं कमेंट में कि भाई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो चलाओ। गाइस मैं 50 और 60 के बीच में ही रहता हूँ, ज़्यादा नहीं रहता हूँ, तो यहाँ का गांव का रास्ता है, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भगाता हूँ गाइस, आप लोग चिंता मत कर लो गाइस। सही पकड़े हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग हाई सिक्योरिट नंबर प्लेट लग गया है या मेरी तरह से दलदल में फंस गए हो। आप लोग भी 2-3 दिन बाद शायद चक्कर काटना पड़ा होगा RTO ऑफिस में। मैं तो उस दिन खुश हो गया था कि मेरा आ गया नंबर प्लेट, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम लोग आउटडोर में जा सकते हैं लॉन्ग टूर। अभी तो और भी दिक्कत आने वाला है मैं भी, क्योंकि इस महीना ख़त्म होने को है, मगर मेरा अभी तक नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है अभी तक ठीक से। एक बार हुआ था वो पर्ची भी नहीं आया मेरे से, कैंसिल हो गया, और मैसेज आया कि आप लोग का कैंसिल हो गया। क्या करेंगे आज, पता नहीं पुलिस पकड़ेगा कि नहीं। मेरा लैपटॉप में, कंप्यूटर में और जनसेवा केंद्र में वो 3-4 बार अप्लाई किया हूँ, लिख रहा है कि आप लोग का नहीं है रजिस्ट्रेशन RTO में और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में। क्या मेरा नंबर क्या ऊपर से टपका था क्या? आप लोग नहीं दिए थे मेरे को, रजिस्ट्रेशन कैसे नहीं हुआ है क्या यार? 1-way रास्ते में ये वाला गाड़ी आ जाता है ना, जब दिक्कत दे देता है, रोड बिल्कुल भी नहीं बसता है। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको घुमा के दिखा दूंगा। आज गाइस जाजपुर का बहुत ही फेमस प्लेस है जो कि माँ बिरजा टेम्पल। आप लोग कमेंट करके बताओ वहाँ जाए या अगली बार कब जाए। ओवरलोड करके लेके जा रहा है यार, क्या यार गाइस। आप लोग कुछ भी कर लो गाइस, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ओवरलोड करके लेके जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, इनको एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो दिक्कत में आ जाएंगे, ये भी दिक्कत में आ जाएंगे, कुछ तो शर्म करो यार। जाजपुर टाउन में ना बहुत सारा लोग विदाउट हेलमेट में बाइक चला रहे हैं यार, आप लोग ऐसा क्यों करते हो गाइस, ऐसे मत क्या करो। विदाउट हेलमेट चलाओगे तो कोई भी दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करोगे आप लोग? जान है तो जान है यार, आप लोग ऐसा मत क्या करो गाइस। आप लोग भी जहाँ पे जाओ अच्छे से हेलमेट लगा के जाओ गाइस, क्या मिलेगा? थोड़ा सा हेलमेट लगा लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा क्या आप लोग को? कुछ नहीं होगा, तो हेलमेट लगा के जाओ गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोग के लिए। ये दिनों को देखो हेलमेट है मगर नहीं लगाए हैं, इन लोगों को क्या करें यार, मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो गाइज फाइनली मैं जाजपुर टाउन में आके एंटर किया हूँ, तो वेलकम टू जाजपुर टाउन गाइज। देखो गाइज मैं उस दिन तो रात में आया था कुसुमा पार्क दिखाने के लिए, मैं वो वीडियो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है।
बहुत लोग प्यार दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा प्यार दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस कपल लोग वहाँ पे आइए घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। सोमवार को छोड़ के हर बार आप लोग आ सकते हैं, कपल लोग के लिए तो एकदम जहान है गाइस। आप लोग एक बार आओगे तो जाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। वहाँ पे फाउंटेन है, बहुत ही प्यारा प्यारा प्लेस है, वहाँ पे आप लोग जाके घूम सकते हो। बच्चे लोग भी जा सकते हैं, फैमिली भी जा सकते हैं, हर लोगों के लिए वेलकम है वहाँ पे। बस मंडे को छोड़कर और आप लोग हर दिन जा सकते हैं वहाँ पे, जाके देख सकते हैं वो वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड जोन के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। गाइस मैं थोड़ा सा आपसे अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, क्या करूँ, मेरा तबीयत इतना ख़राब है ना, मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना। लोग गाइस मुझे थोड़ा सा घूर घूर के देख रहे हैं यार, मैं इस गोला का उस गोला का नहीं हूँ जो कि आप लोग मेरे को देख रहे हो इस टाइप से। अरे आप लोग ऐसे मत दिखाया करो यार, प्यार हो जाएगा यार मेरे से, बड़ा हरामी हो बेटा, प्यार हो जाएगा तो कौन बचाएगा मेरे से है, ऐसे मत दिखाया करो, देखने दो थोड़ा सा फेमस हो जाएंगे और क्या। देखो देखो गाइस बाइक कैसा चला रहा है, देखो गाइस हेलमेट नहीं है, देखो देखो गाइस फिर से आ गया वो छपरे लोग, कैसा बाइक चलाएगा आप लोग देखना गाइस। देखो 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 80 में अभी जा रहा है, हेलमेट बिना विदाउट हेलमेट में, देखो गाइस कैसे चलाएगा अभी बाइक, देख लो गाइस किस टाइप से चलाएगा अभी बाइक छपरी विदाउट हेलमेट। 110 120 इस तरह से गाड़ी चलाता है, जाने दो जाने दो उसको, उसके पीछे कौन भागेगा, मेरे को तो मेरा जान प्यारा है। सुंदरपुर में आके हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं। सो गाइस फाइनली मैं आरटीओ ऑफिस में आके पहुंच चुका हूं, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, क्या करें यार आज बहुत ही लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं हम लोग अभी। गाड़ी को धूप में नहीं रखेंगे, यहीं पे रख लेते हैं। सो गाइस मैं आरटीओ ऑफिस में आके पहुंच चुका हूं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है तो मैं आप लोगों को जाके अंदर में मिलता हूँ। शायद पता नहीं मैं अंदर में जाके वीडियो बना पाऊँगा अगर नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा बाहर से वीडियो को शूट कर रहा हूँ गाइस। अंदर तो अलाउ नहीं किए थे, वो अभी मोबाइल शूट किया था तो इस यहाँ पे गेट है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में आओ के तो आप लोग को गाड़ी पार्क करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, और राइट साइड में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जनसेवा केंद्र, जो कि आप लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह जेरॉक्स कर सकते हैं और फॉर्म वगैरह लेके वहाँ पे जाके फिलअप करके दे सकते हैं आरटीओ ऑफिस। अभी लोग थोड़ा सा कम हो चुके हैं, चलो अभी चलते हैं जाके आप लोग को दिखाते हैं, अंदर तो अलाउ करेंगे नहीं तो पता नहीं, चलो चलते हैं। गाइस मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सब जेरॉक्स करके और मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जेरॉक्स करके लेके आते आते देखो गाइस बहुत सारा लोग हो गए गाइस, क्या करें लेट हो जाएगा फिर आज, आज तो पक्का वीडियो नहीं आ पाएगा, देखते हैं चलो अंदर जाएंगे वीडियो शूटिंग करने तो कर देंगे, नहीं तो नहीं, चलो चलते हैं। सो गाइस देखिए ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस, मैं अभी लाइन में खड़ा हुआ हूँ और लोग भी धक्का दे रहे हैं, क्या करें यार लाइन तो नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आज तो वीडियो अपलोड करना ही करना है, 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। देखिए गाइस साउंड से आप लोग को पता चल रहा होगा कितना नॉइज आ रहा है, तो क्या करें चलो। सो गाइस देखिए मैं यहाँ पे लाइन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर्म, क्या यार बहुत दिक्कत में हूँ गाइस, बहुत भीड़ के बाद मेरा आ गया नंबर, तो चलो देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस, देख लो आप लोग। 2000 years later गाइस मेरा तो काम ख़त्म हो चुका है, चलो अभी चलते हैं घर। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है पता नहीं, तो वो 200 रुपया लूटते हैं, मैं आप लोग को घर जाके बताते हैं, चलो गाइस मिलते हैं घर पे। सो गाइस फाइनली मैं मेरा रूम में आके पहुंच चुका हूं, अभी टाइम हो चुका है 3:33 गाइस, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप लोग उड़ीसा से हो या जाजपुर से हो गाइस, आपको आपका नंबर प्लेट नहीं दिखाएगा HSRP में, तो आप लोग को क्या करना है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म दे दूंगा, वो फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करके फिलअप करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा आधार कार्ड ओरिजिनल और उसको जेरस करना पड़ेगा और गाड़ी का कुछ जो RC देता है ना छोटा वाला जो कार्ड टाइप का होता है उसको लेके जाना पड़ेगा, इंजन नंबर चेसिस नंबर और गाड़ी का नंबर बहुत कुछ फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में उसको भी फिलअप करना पड़ेगा और आपको जेरस करके देना पड़ेगा RTO ऑफिस में। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओगे तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा, गाइस आप लोग कमेंट करोगे तो वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगा। गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो मौज में रहो, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।